हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम ए कंपनी का 89000 BM जो मल्टी फंक्शन मीटर होता है फ्रेंड्स, ये बेसिक मल्टी फंक्शन मीटर होता है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि आप चैनल पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रंट में दो बटन दिए गए हैं एस और ई। ई को प्रेस करने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और एस से वैल्यू को हम इंक्रीज और डिक्रीज यानी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ई दबाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में गए, उसके बाद हम यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हमारा सिस्टम 3-phase 3-wire का है तो हम इसको 3-phase 3-wire ही एज इट इज रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखा रहा था कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद एस से हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे जो कि CT primary की पेज है। यहाँ पर हम CT primary है जो हमारी 160x5 की है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं आप वैल्यू इंक्रीज हुई। उसके बाद इंक्रीज के बाद हम इस पर जो सेटिंग वैल्यू है उस पर सेट वैल्यू पे चले जाएंगे। जो हमारी सेट वैल्यू 160 तो 160 हमने सेट कर दिया। उसके बाद हम सिटी की जो प्राइमरी सेट कर दी। उसके बाद हम सेकेंडरी पे जाएंगे एस से नेक्स्ट पेज पे जो हमारी सिटी की सेकेंडरी है वो 5 है, तो हम इसको 5 ही AJT इसको हम रखेंगे। इसको चेंज भी कर सकते हैं एस बटन से, देख सकते हैं आप। तो हमारी 5 है तो हम इसको 5 ही रखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे PT की प्राइमरी। PT की जो प्राइमरी है वो हमारी 415 ही है तो हम इसको 415 रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो PT की सेकेंडरी वो भी हमारी 415 ही है, उसको भी हम 415 रखेंगे। इसको आप PT के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डायरेक्ट कनेक्शन है तो हमने डायरेक्ट 415 ही PT की सेकेंडरी डाली गई है। ये स्क्रॉल है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये ऑन किया ये ऑफ किया, ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ आता है तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। ये मीटर का ID है, ID जो है 1 से 247 तक डाल सकते हैं। ये बोर्ड रेट था हमारा 96। ये LED टेस्ट है और उसके बाद एग्जिट, यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा मीटर यहाँ पे कॉन्फिगर हो गया। फ्रेंड्स आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें यहाँ पे BM का मतलब बेसिक मॉड्यूल होता है। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं, हमने इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, करंट हमारा इसमें है नहीं इसलिए इसमें करंट आएगा नहीं। आप देख सकते हैं V, ये RY, YB, ये 3-phase दिखा रहा है आपको, देख सकते हैं आप ये करंट है। करंट इसमें जितना भी चल नहीं रहा है, ये हल्का फुल्का लोड है वही दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वोल्टेज हो गई हमारी और ये करंट 0 है, पावर फैक्टर आपका एरर दिखा रहा है क्योंकि करंट यहाँ पे है नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए कंपनी का 89000 BM जो मीटर है यानी कि मल्टीफंक्शन मीटर है ये कॉन्फ़िगर हो गया है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे चैनल से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।